हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं हूँ इस समय हल्द्वानी में, और हल्द्वानी में हूँ मैं सुशीला तिवारी के ठीक सामने। और यहीं पे एक भाई ने अभी नया नया सेटअप अपना डाला है चाय का, और क्या कहानी है उनकी, किस वजह से उन्होंने खोला है और कितने प्रकार की चाय बना रहे हैं और क्या क्या वो बेच रहे हैं यहाँ पर, वो पूरा बताएंगे। और वीडियो में अगर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं भाई का चाय का टेस्ट करने और उनके बारे में जानने कितना पुराना काम है और क्या सोच के उन्होंने ये काम करा है। तो दोस्तों, ये है आपकी रामपुर रोड, सामने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल दिख जाएगा आपको, और ठीक इसी के सामने भाई ने खोला है यहाँ पे देसी चाय का ठेका। अभी नया स्टार्टअप शुरू करा भाई ने, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ बिस्किट्स वगैरह और चाय वगैरह ये यहाँ पर सेल आउट कर रहे हैं, मैगी वगैरह भी यहाँ पर बेचते यहाँ पर बना रहे हैं वो। छोटी सी एक मुलाकात करेंगे भैया से, पूछेंगे कितने प्रकार की चाय बना रहे हैं और क्या उनका इससे पहले क्या करते थे वो। तो दोस्तों, बात करते हैं भाई से। हेलो भैया, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, नमस्कार। पहले तो अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम शिवम शर्मा है, मैं रामनगर से हूँ। अच्छा, रामनगर से आप जी। तो शिवम भाई, कितना वक्त हो गया आपको ये खोले हुए? सर अभी 9 से 10 दिन हुए हैं। 9 से 10 दिन हुए। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर मैं जॉब करता था अकाउंट की जी, अकाउंट और सेल्स की जॉब मैंने की है। लगभग 15 साल हो गए जॉब करता हूँ। तो ये चाय का काम करने की कहाँ से आपको मतलब सोचा, आपने क्या प्लानिंग करी आपने कि ये काम करा आपने? सर बहुत टाइम से जो है मेरे मन में था कि मैं कोई बिजनेस करूं, तो मुझे जो है चाय बनाना बहुत अच्छा आता था। जिसे भी मैं पिलाता था वो कहते थे कि चाय बहुत अच्छी बनाते हो, तो मैंने सोचा चाय का सेटअप डाल देता हूँ। और हमारे यहाँ जो भी चाय पीने आता है वो एक बार पीता है तो बार बार हमारा रेगुलर कस्टमर हो जाता है। यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा, बिज़नेस अगर आप देखिए करना चाहेंगे तो और भी बिज़नेस हैं आजकल, बहुत किस्म के बिज़नेस आ गए, तो चाय का ही मतलब ऐसा क्या, ये मुझे आप बताइए। सर बिज़नेस वो करना चाहिए जो आपको आता है, मुझे चाय बनानी बहुत अच्छी आती है इसलिए मैं चाय का बिज़नेस कर रहा हूँ। यही चीज़ मैं आपकी यही चीज़ जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए कोई भी हम काम करें, कोई भी बिज़नेस करें या कुछ भी करें, लेकिन जब तक हम उसमें पूरे के पूरे इंक्लूड नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, हमें वो काम सक्षम नहीं हो पाएगा। उस चीज़ में आगे थे तो आपने ये सोचा? जी सर इसीलिए मैंने सोचा। और जो है हमारे यहाँ पर 10 प्रकार की चाय मिलती है सर, और हमने मैगी, सैंडविच, बन मक्खन और 3-4 तरह की मैगी है हमारे पास। अच्छा। और ग्रिल सैंडविच है, बेस सैंडविच है, और जो भी हमारी मैगी खाता है वो एक बार आता है तो बार बार आता है, और साथ में 4 लोगों को भी लेके आता है। लेके आता है जी। हमारे जो है रेगुलर जो कस्टमर हैं वो बंधे हुए हैं, ये हमारे सर खड़े हुए हैं, ये भी हमारे रेगुलर। ये भैया भी एक यहाँ पे आए हैं चाय वगैरह पीने आते हैं, तो बढ़िया लगती है चाय? ऑब्वियसली बढ़िया, चाय इनकी बढ़िया। मैंने भी देखा था अभी, लाइक ये जैसे एक नया स्टार्टअप इन्होंने शुरू करा है, तो वैसे भी इनकी लोकेशन भी अच्छी लगी। अदर देन दैट कि इनकी जो ऑप्शंस दे रहे हैं ये चाय में, जैसे मसाला चाय है। तो अपना यहाँ पे समय क्या है भैया लगाने का? सर अभी तो हम जो है 24 घंटे खोल रहे हैं। 24 घंटे? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास अभी बंद करने का कोई ऐसा सिस्टम है नहीं। सिस्टम नहीं है जी जी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी शिवम भैया ने रात भर इन्होंने यहाँ पे पूरा का पूरा लगे रहते हमारे, इनकी स्टोरी दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग कुछ यहाँ पे अगर हल्द्वानी में है या सुशीला तिवारी की तरफ है, तो एक बार भाई के पास जरूर आइए। और अपनी चाय की प्राइसिंग क्या भैया, क्या कॉस्ट शुरू होती है ये? सर हमारी चाय जो है 10 रुपये की स्पेशल चाय है, बाकी कुल्लड़ वाली जो भी है चाय सारी 20 रुपये की है सर। इसमें लेमन टी है, ब्लैक टी है, और जो है हमारी चॉकलेट टी है, पुदीना टी है, और सीक्रेट मसाला है, और स्पेशल कुल्लड़ चाय है हमारी। एक बार कुल्लड़ दिखा दीजिए दोस्तों। देखिए ये है कुल्लड़, कुल्लड़ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है ये। देखिए काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा है। तो ये कुल्लड़ साफ करके रखे हुए रहते हैं? हाँ जी, वॉश करके जो है पानी में डालते हैं, उसके बाद जो है वॉश करने के बाद ही यहाँ पे रखते हैं। यहाँ का एक बार एड्रेस तो चलो मैंने बता ही दिया है। यहाँ पे दोस्तों सुशीला तिवारी के ठीक सामने आपको मिल जाएगा ये रोड के पार देसी चाय का ठेका। क्या नाम है आपका? देसी चाय का ठेका के नाम से छोटा सा काउंटर है दोस्तों यहाँ पे बना रखा भाई ने, और यहीं पे वो अपना रात में भी यहीं रुकते हैं, और दिन में इनकी जब कोई भाई आ जाता है देखने तो। अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा सुमैया, आपने चाय का काम करा तो आपको परिवार की तरफ से या आपके दोस्तों की तरफ से, क्योंकि आजकल देखो ऐसा तो ना कोई अलग छोटा काम करे तो लोग कहते हैं ताने देते हैं कि यार तू यार चाय का काम कर रहा है, तो ऐसा कभी आपके साथ सामने आया आपकी ये बात? जी सर मेरे साथ आया है, लेकिन यह है ना सर हमें कोई खाने को नहीं देता, हमें काम खुद ही करना पड़ता है। अब जो है मैं 1 साल से खाली था, अब मेरे पास इस टाइम पे कोई पैसे भी नहीं थे, तो मैंने जो है अपने फ्रेंड मेरे भाई हैं उनसे मैंने 20,000 रुपये उधार लिए, बाकी मेरी मॉम ने 25,000 की मेरी मदद की थी। तो जब मैं फर्स्ट डे बैठा था मेरे पास कुछ नहीं था, मैं पूरी रात जो है ठंड में यहाँ पर कांपता रहा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे भगवान ने चाहा तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो भी आया वो इसमें लगाते गए।
अभी तो थोड़ा काम बन गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों को मेरा टेस्ट पसंद आएगा। एक बार विजिट करें प्लीज़, जब आप आएंगे तभी आपको पता चलेगी कैसी क्वालिटी है। और बाकी हम साफ़ सफाई हाइजीन की पूरी जो है देखभाल करते हैं, और हमारे जो है हम ज़्यादा एक बार के बाद दोबारा से चाय पत्ती यूज नहीं करते। बाकी हर मटेरियल चाय पत्ती मतलब फेंक दी जाती है, चाय पत्ती फेंक देते हैं। बाकी जो है हमारा सारा मटेरियल जो है, अब मेरे मसाले मैंने हाथ से खुद बनाए हुए हैं, और बाकी सारे मसाले मैंने खुद ही बनाए हैं। मतलब जैसे चाय पत्ती भी, और हम चीनी की भी बेस्ट क्वालिटी यूज करते हैं, मतलब पैकेट वाली चीनी यूज करते हैं। और हाँ जी हाँ जी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिखाइए तो दोस्तों, देखिए ये है, देखिए कुछ चीनी, मोटी चीनी है, वाइट चीनी बिल्कुल है, ज़बरदस्त, इसमें कोई डस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, साफ़ सुथरी चीनी है। ये पूरा हाइजीन का पूरा सा यहाँ पे इन्होंने भैया ने पूरा रखा है। ये चाय पत्ती है, ये चाय पत्ती है, बहुत सही। देखिए दूध भी है, अमूल का यूज करते हैं, पैकेट वाला दूध है, बढ़िया अमूल का, अच्छी क्वालिटी है। और तो भैया हमें भी एक चाय बना के दिखाइए, और हम भी पी के देखेंगे, स्वाद बताएंगे। हालांकि चाय तो आपकी बढ़िया होगी, क्योंकि आप मेहनत इतनी कर रहे हैं, तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ पे लोग आएं और आपकी चाय और आपके जो भी आप मैगी वगैरह बनाते हैं यहाँ पे बन मक्खन, उसका आनंद उठाएं। तो दोस्तों अभी चाय का टेस्ट लेते हैं, हम भी बताते हैं आपको। देखिए कुछ इस तरीके से ये चाय है, ये पत्ती यहाँ पे फेंक दी जाएगी। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, रिव्यू तो मुझे चाय का नहीं करना, मैं भाई को, भाई की जो कहानी है वो मैं आपको दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। बाकी चाय तो हम पियेंगे इनकी और बताएंगे आपको। और एक बार आप लोग भी अगर हल्द्वानी में हैं और हल्द्वानी के आसपास से, सुशील तिवारी के आसपास से निकलते हैं, तो भाई के वहाँ जरूर टेस्ट करिए। क्योंकि देखिए जवान हैं, कुछ करने की सोची है, आगे बढ़ने की सोची है, तो आप जब तक मदद नहीं करेंगे, हम जैसे लोग मदद नहीं करेंगे, तब तक ये आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हौसला जो बढ़ाता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। रही हमारी चाय, भाई ने चीनी चाय पत्ती सब डाल दिया। ये मसाला कौन सा है? ये आपका अपना मसाला है? ये सर इलायची है। अच्छा इलायची पाउडर है ये। अच्छा ये दोस्तों देखिए, ये मसाला है जो कि भैया का बना हुआ है, इसी ये मैं आपके लिए स्पेशल कुल्लड़ चाय बना रहा हूँ सर। अच्छा ये हमारे लिए कुल्लड़ चाय बन रही है स्पेशल, जिसका प्राइसिंग 20 रुपये है। 20 रुपये ना शिवम भैया? तो दोस्तों 20 रुपये उसका चाय का रेट है। और यहाँ पे अदरक देखिए छिली जा रही है। तो दोस्तों शिवम भाई ने हमारी कुल्लड़ वाली चाय बना दी है, स्पेशल चाय है, जिसका रेट है 20 रुपये। तो दोस्तों टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा स्वाद है शिवम भाई के कुल्लड़ वाली चाय का। तो दोस्तों चाय मेरे पास आ चुकी है, टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको। पहले तो कुल्लड़ की महक और इलायची की महक पूरी आ रही है। फिलहाल भाई के काम को हम सलाम करेंगे, ताकि या और आगे बढ़ें। चाय तो एक अलग चीज़ है, इतना करने का जो उन्होंने प्रयास करा, यही बहुत बड़ी बात है। जो मसाला जो डाला है उसका फ्लेवर सबसे पहले आया, हालांकि इलायची पाउडर अपना असर पहले दिखाती है, लेकिन उसने बाद में दिखाया। वो मसाला जो भी इन्होंने भैया ने जो बनाया, वो एक अलग अलग स्वाद का मसाला था, जिसने इस कुल्लड़ वाली चाय को बहुत ऊपर ले गया। सुबह सुबह अभी 9:30-10 बजे का वक्त है और चाय मिल गई है वाकई में। और चाय एक ऐसा एक ये मतलब ड्रिंक होती है जो हर कोई पीता है हर समय। कोई दो बातें करना चाहता है, कोई मिलके दो दोस्त बैठते हैं, वो भी आके चाय पीते हैं, और चाय के साथ साथ वो अपनी बात को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। लाजवाब चाय है इसकी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चीनी चाय पत्ती बिल्कुल लेवल की है, ज़्यादा मीठी नहीं है, आराम से आप पी सकते हैं आके। और आइए यहाँ पे, और भाई को आप कुछ प्रोत्साहन दीजिए, ताकि भाई और आगे बढ़े। दोस्तों एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसे अगर आप हॉस्पिटल्स में आते हैं तो भैया का नंबर मैं डाल दूँगा, आप सीधे इनसे चाय वगैरह मंगा सकते हैं। और अगर आपके सुशील तिवारी या आसपास रहते हैं आप यहाँ पर रामपुर रोड पर, तब भी अगर आपके घर में कोई ओकेजन है, कोई फंक्शन है, चाय अगर बननी है ज़्यादा उसमें, तो आप भैया से बनवा के ऑर्डर में दे सकते हैं, भैया वो भी प्रोवाइड करवा देंगे, वो भी प्रोवाइड हो जाएगा और सही रेटों में। वाकई में चाय बहुत बढ़िया है। सुशील तिवारी के जो भी यहाँ पर स्टाफ है वो भी आए भैया के वहाँ चाय पिए। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, सुशील तिवारी के जो भी मेरे
व्यूअर्स हैं अगर वो मेरी वीडियो देखते हैं तो एक बार मेरे कहने पे भैया के वहाँ चाय पीने आएँ या चाय उनकी मंगवाएँ। नंबर मैं भैया का पूरा डाल दूंगा वीडियो में, आप फ़ोन कर सकते हैं, भैया खुद चाय आपको पचवा देंगे। तो दोस्तों मैंने तो चाय पी है, वाकई बहुत बढ़िया लगी, और चाय से ज़्यादा भैया का जो प्रोत्साहन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप लोग भी यहाँ पे आइए, एड्रेस मैंने पूरा बता दिया है, भैया के वहाँ आके चाय पीजिए, मैगी खाइए और इनका हौसला बढ़ाइए ताकि ये और आगे बढ़े, क्योंकि अपने उत्तराखंड के अपने कुमाऊँ की यूथ हैं और जो आगे बढ़ना चाहता है, काम वो छोटा बड़ा नहीं देख रहा है, लेकिन उसे कुछ करना है, कुछ मुकाम हासिल करना है। तो दोस्तों मुझे तो चाय बहुत बढ़िया लगी, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा नई जगह, नए स्वास्थ्य को, नए जायके को और नई कहानी को दिखाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।